आखिर आईएएस बनते बनते एक्ट्रेस कैसे बन गई यामी? चाय से क्यों है उन्हें इतना लगाव? बचपन में कैसी थी यामी और किस एड के लिए हुई वो ट्रोल? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीक्रैश स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अपनी खूबसूरती और बबली से अंदाज के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम ने यूं तो कम ही फिल्में की हैं, परंतु अपनी हर फिल्म से दर्शकों के दिलों में वो छाप छोड़ने में सफल रहती हैं। हमने आपको बताया था कि अजय देवगन स्टारर 1996 की हिट फिल्म दिलजले के रीमेक में यामी सोनाली पेंद्रे की जगह लेने वाली है। ये अजय देवगन की यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म के बारे में जानने से पहले आइए हम आपको यामी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। यामी का जन्म 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था और वो चंडीगढ़ में ही पली बड़ी हैं। उनके पिता मुकेश गौतम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक निर्देशक हैं और उनकी बहन भी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपना डेब्यू टेलीविजन पर चांद के पार चलो नामक शो से किया था। इसके बाद वो राजकुमार आर्यन और ये प्यार ना होगा कम जैसे शोज में भी दिखी। साल 2012 में विकी डोनर से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले यामी कन्नड़ फिल्म उल्लासा उत्साह में लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी नजर आई थी। आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट विकी डोनर में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था और IIFA अवार्ड्स फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का खिताब भी उन्हें मिला था। इसके बाद वो टोटल स्यापा, एक्शन जैक्सन, बदलापुर, सनम रे, जुनूनियत जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। आखिरी बार वो बाला और गिनी वेट सनी में दिखाई दी थी। यामी बचपन से ही बहुत शरारती रही हैं। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने अपने टीचर के फर्जी साइन भी किए थे, हालांकि वो पकड़ी गई थी। फिल्मों में आने से पहले यामी एक आईएएस अफसर बनना चाहती थी, पर फिर उनका दिल एक्टिंग पर आ गया और मात्र 20 साल की उम्र में ही वो चंडीगढ़ से मुंबई आ गई। यामी चाय की बहुत बड़ी दीवानी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ भारत की देसी चाय ही पसंद है, इसलिए अपनी हर विदेश यात्रा पर वह अपने साथ चाय की एक पूरी किट लेकर जाती है। आपको बता दें कि वो एक ट्रेंड पोल डांसर भी हैं और उन्होंने फेमस आर्टिस्ट आरिफा से इसकी ट्रेनिंग ली है। इनके अलावा वो कई ब्रांड एंडोर्स भी करती हैं, जिनमें से एक है ग्लो एंड लवली, जिसमें काले गोरे चेहरे के भेदभाव दिखाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है। आपको बता दें कि दिल जले में सोनाली बेंद्रे का किरदार ऐसी लड़की का है जो एक लड़के यानी कि अजय देवगन से प्यार करती है, जिसे उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और किसी कारणवश वो आतंकवादी बन जाता है। फिल्म में सोनाली के काम को बहुत प्रशंसा मिली थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यामी उनकी बराबरी कर पाती है या उनसे भी आगे निकल जाएंगी। हमने आपको बताया था कि अजय देवगन वाला किरदार सनम तेरी कसम फेम एक्टर हर्षवर्धन राणे निभाने वाले हैं। गौरतलब है कि हर्षवर्धन की ये फिल्म और यामी की सनम रे अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर टकराई थी। अब ऐसे में ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है कि इन दोनों की जोड़ी क्या कमाल कर पाती है। चलिए अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको यामी के बारे में ये सब बातें जानकर कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीक्रैश स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है ऋचा गर्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।